हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, काफ़ी सारे जानवर बने हुए हैं यहाँ पर और उधर भी बने हुए हैं। ये सब आर्टिफिशियल हैं। तो चलिए और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। अभी तो हम हैं रेल कोच फैक्ट्री में। रेल कोच फैक्ट्री के जो जहाँ वर्कर लोग रहते हैं वहाँ पर हैं, और ये पीछे अधिकारियों का घर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। जो अधिकारी लोग रहते हैं उनका घर है, और इसी के गार्डन में बनाया गया है। ये छोटे छोटे जानवर बनाए गए हैं। ये है, काफ़ी सुंदर बनाया गया है। ये जो कॉलोनी देख रहे हैं आप, ये जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं उन सब की कॉलोनी है। इसी वजह से इसका नाम ऑफिसर कॉलोनी पड़ा ही है। और ये जो आप लोग सामने बंगला देख रहे हैं, ये है जीएम बंगला, जो रेलवे के सबसे मेन अधिकारी हैं उनका बंगला है ये। और यहाँ पे कुछ नए बंगले बन रहे हैं, अब पता नहीं ये किसके लिए हों, लेकिन यहाँ पर बन रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा था तो मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए इसे। दो तीन बंगले हैं ऐसे लाइन से बने हैं। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं, ये है केंद्रीय विद्यालय, जो कि रेल कोच फैक्ट्री के अंदर ही बना हुआ है। और ये 1 से 12 तक है। इसमें बाहर के भी लड़के पढ़ने आते हैं। और इसके जस्ट बगल में ही बच्चों का भी स्कूल बना है, जैसे LKG UKG। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बच्चों का है। और ये आप लोग देख रहे हैं, ये है हॉस्पिटल। इसमें 3-4 जगह हॉस्पिटल बने हुए हैं, और इसके अंदर इतनी अच्छी सुविधा है कि हर संडे को यहाँ से लखनऊ के लिए बस भी जाती है। जिसको अपने घर जाना हो वो उस बस से जा सकता है। सरकारी बस रहती है, इसी के अंदर से जाती है। इसके अंदर दो मंदिर बनाए गए हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं सामने। ये भी मंदिर है, एक और है। आगे गेट लगा है, आगे जाना है। सो गाइज, ये जो बेसमेंट आप लोगों ने देखा, ये इसके जहाँ वर्कर लोग रहते हैं, इसके नीचे से फैक्ट्री के अंदर गया हुआ है उधर, और इसके ऊपर से ये जो कानपुर वाला हाईवे गया है उसका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और ये इधर। तो काफ़ी सही लग रहा है, और काफ़ी ठंडक भी है यहाँ पर। और बाहर तो बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर से रायबरेली टू कानपुर का हाईवे गया हुआ है। और यहाँ पर सामने आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी सोलर की प्लेटें लगी हुई हैं, बहुत दूर तक लगी हुई हैं। इसके अंदर जितनी भी लाइट का प्रयोग होता है वो सब सौर ऊर्जा से होता है, बहुत दूर तक लगा हुआ है। और इसके बाहर भी जो लाइट जाती है वो भी सौर ऊर्जा से ही रहती है। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।